अस्सलाम वालेकुम सजाद भाई, क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत है? अच्छा, हालात के बारे में सजाद भाई, फिलहाल तो पोजीशन ये है कि जो दो तीन पॉजिटिव खबरें आती हैं और दो तीन नेगेटिव आ जाती हैं, कोई फिलहाल समझ नहीं आ रही। ये 7 तारीख तक जो है वो कुछ क्लियर होगा। 7 तारीख को सैफ साहब का जो रिमांड का टाइम है वो पूरा हो रहा है और उसके बाद फिर कुछ चीज़ें सामने आएंगी। तो बाकी एफर्ट्स जो हैं वो अपनी जगह पे हर बंदा कर रहा है। अभी कल की खबर है कि मियांवाली से एक ग्रुप जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस इमरान खान के पास पहुंचा है और उनसे जाके मिला है। सिस्टम को बचाने की खातिर उन्होंने काफ़ी उसके साथ बातचीत की है। तो इस तरह हर बंदा जो है वो अपनी तौर पे कोशिश कर रहा है। और दूसरी बात ये कि ये जो इतवार आ रहा है, इस इतवार वाले दिन बड़े लीडरों की मीटिंग भी है अपना लीगल टीम के साथ, खोसा साहब के साथ, तो कुछ चीज़ें उसमें सामने आएंगी। बहरहाल अभी फ़िलहाल जो है कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा कि मैं कहूं कि जी सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा, इसके बारे में अभी फ़िलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, इदारे क्या करते हैं और क्या करना चाहते हैं इसके बारे में अभी उनकी जो नीयत है उसका नहीं पता है। लेकिन जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पाकिस्तान में ज़ाहरी तौर पे और होती हैं और अंदरूनी तौर पे और होती हैं। आप ख़ुद भी फ्रंटियर फोर्स से रहे हैं तो जो हमारे इदारे काम करते हैं जिस तरीके से, आपको पता है कि ज़ाहरी पोजीशन में वो कुछ और कर रहे होते हैं और अंदरूनी खाना उनके कुछ और होती हैं प्रायोरिटीज़। और इसमें अभी सुनने में तो यही आया था कि डील भी हो चुकी है, लेकिन अब देखें डील भी हो चुकी है उसके बावजूद उन्होंने रखा हुआ है, तो ये कोई मतलब समझ में नहीं आती। लेकिन बस इदारों के एक अपना लाइफल होता है, हो सकता है कि वो इसको इसी तरीके से उस डील को अंजाम देना चाहते हों। तो बहरहाल अल्लाह बेहतर करेगा, देखें उम्मीद पे दुनिया कायम है। जो भी होगा अल्लाह ताला से दुआ यही है कि अल्लाह ताला बेहतर करें और ये सिस्टम चलता रहे। ठीक है जनाब, बहुत मेहरबानी जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आमीन सुम आमीन।